सुने लिया होगा इलाके बुत की शक्ल का व्यक्ति तोंगा पाया गया है। यह बुतों की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, बुत कई तरह मेल बुत, फीमेल बुत, बड़े बुत, छोटे बुत, दरमियाने बुत। तुहाडे इलाके किन्ने क बुत होणगे? 10, 20, 50 या 100? पर मेरे नजरिए तो तुहाडे इलाके हजारा ही बुत ने। तुसी सोच रहे होवोगे कि किदां कि बुत सिर्फ पत्थर, कंक्रीट, लकड़ या किसी होर ही समग्री के होंगे? नहीं, बुत धड़कते दिलों वाले भी होंगे ने। यह कहानी भी ऐसे ही एक बुत की है। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ
पर हर जितने वाले जिसम पिछे एक दर्द भरी कहानी लिखी होंगी है भाजी।
बड़े पेट छुपे होते हैं। भाजी जिंदगी के सोने गीतों का कतल किया है गुलस्ता ने, जिंदगी के सोने गीतों का बालड़िया का गला घुट दी है विवस्था, जिसनों असं पता की गल नहीं करते। भाजी भाजी तुम्हें इस चौंक में बैठे, इस चौंक ज्यादा बच्चे होंगे ने भाजी, वो बच्चे अपना अपने मां बाप का रिस्पेक्ट करने भीख मंग रहे भाजी। भाजी किसी का बाप नहीं है, किसी की मां नहीं, तो भाजी कुछ बच्चे कनाडा दिन तिजोरिया भर रहे अलग अलग थानों को गवाह करके लिया जाते हैं, तो ढक दिता जाता है उन्होंने दलदल में, तो उन्होंने नाल जो बच्चिया होंगे ने जो जवान हो जाए ने भाजी, तो उन्होंने हमेशा अपने भेज देंगे ने बन की रुते कलम दबार की खां के हथा ठूठा पा देंगे ने भाजी, इसकी जिम्मेवार मस्ता होंगी है भाजी। इसे चौंक में हर रोज मजदूर आ जाते हैं रोटी वाला डब्बा फड़ी नवे मालक की उड़ीक में, कोविड के खतरे को भांपते हुए सरकार ने फरमान जारी किया है
कि अपनी ते अपने की सुरक्षा लई घरां विच रहो, हुकम दी उलंघना करन वाले नाल सख्ती नाल जठिया जाएगा। हैरानी की गल सी, दुनिया की सब तो बड़ी जमहूरियत ने अपने लोगों की मजबूरी नहीं देखा, अखो अले कर दिता। कुछ दिन तक इस चौंक में सन्नाटा छाया रहा, चुप छाई रही, दिन ही रात को रोते हुए बच्चे की आवाज मैं सुन लगी। हौली हौली आवाज मेरे तक पहुंच गई तो देखा लोग पैदल ही घर वालों तुर गए हैं। गलत गलत पता लगा 600 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके जाना है। फिर तक इन्ना चौ दिनों सड़क लोगों के कट कट भर गई, जिमें कि बटवारा हो रहा होवे। नहीं नहीं, भारत पाकिस्तान का नहीं, अमीर के गरीबों का बटवारा। फिर जो मैं देखा भुलिया नहीं गया, सड़क के तुर पाए पुलिस दिया लाठिया दिया घसेटे हुए और अपने हम सफर के नाल तुरती हुई इस चौक च आराम कर ले लोग गई। भाजी और जिंदगी की जंग हार गए लंबे सफर तो, भाजी उसका बच्चा मां की लाश तो दुख चंगदा रहा सारी रात। भाजी सच जाने भाजी मैं रो नहीं सकता जी, क्योंकि मैं पुत था भाजी। जब सवेरे मां की लाश तो बच्चा उठा, मां के चेहरे तो चुन्नी ला के कहता मां मां भाजी मैं रो नहीं सकता, मैं पुत सी भाजी। पर सच जाने मुंडा कहना धर्म के कलाम वाले पुता ने बच्चे खुशी खुशी रो के करे रो जाने के रो पुत्रा रो पुत्रा रो। फिर एक नवा फरमान आया
खेती काले कानूनों का प्रमाण। हुकूमत चाहती सी कारपोरेट भोले पैसे खर्च के भारत की सारी भाई को कंपनी को अपने कब्जे में कर ले ते सानू बर्दाश्त कर के दाने दाने नहीं पानी बड़ा हमला सी उन्हों का पर भारत खड़ा होया कि किसान कि मजदूर कि मुलाजम कि स्टूडेंट कि जथेबंदियां कि बड़ा कि छोटा सारे ने हिक डाल दी ते जो भारत में काले कानून आए ते भारत की फजा दे रंग बदल गए। पंजाब के नौजवान क्रांति के गीत गाउन लगे गीतकार संघर्ष की गल कर लगे। एक बड़े बड़े क्रांतिकारी ने कहा सी तुसी जवानी के बुलों बदते गीतों बारे दस दौ मैं तुम्हें भारत तुहाडे देश का भेत दस दिया। सीखने वाली गल यह है जो देश लहरा बदलियां ने दो क्रांति के बाद बदलते हैं मजदूर क्या करता सी साडी लड़ाई उदो तक जारी रहेगी उदो तक मनुख के हथों मनुख की लुट खत्म नहीं होगी। वो करतार सिंह सराभे की गल करता सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की गल करता सी वो गल करता सी कदरी बाबिया की वो मैनू अपना लगन लगा जे वो मेरा हो मैं उसका होगा तो मैं सोचा तुहानू उस नाल मिलावां माया
धमकी देनी है, मान ते सम्मान दी है, इंसाफ दी है, हंगरी उडारी लाने की लड़ाई है। साथियो तुम जो मैं बोलते ना ये लड़ाई काम में डुले मुड़के की कीमत भी है। ये लड़ाई आने वाली नस्लों की भी है, बराबरता की भी है, मनुख की लुट खत्म कर दी भी है। बोल बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अलविदा दोस्तों, बोल कि लब आजाद है तेरे। लड़ाई अमरी डर दी है, मेरा हक तुहाडा हक साडा सारिया का हक, कविता लिखण का हक, कविता बोलण का हक, बोलण का हक। ठीक है, वेखो साडे हकां दा राखा, अज कुत्ते दी मौत मर रहा है, कुत्ते दी मौत। ओ वड्या क्रांति कारिया किरा मिट्टी दे बाल दे चले सी तू क्रांतिकारी बनाउण, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ। ਓਏ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਟੀਮ ਤਾਸ਼ੀ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ।